हेलो गाइस, वेल आज हम एसएससी सीजीएल 2017 की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट कुछ ही महीनों में ये सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि मई जून में इस बार सीजीएल अपना कंडक्ट करेगा। वेल, हमारे पास अभी फरवरी चल रहा है तो हमें 3-4 महीने अभी हैं, बट मैं आपको 3 महीने में सीजीएल 2017 क्रैक करने के टिप्स दूंगा। वेल, मेरे बारे में, मेरा नाम आशीष सोडी है और इस बार एसएससी सीजीएल 2016 प्री में मेरे 183.5 मार्क्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 18 है और T2 भी दिया है, तो इस बार मेरे 528 मार्क्स बन रहे हैं। पिछली बार टॉपर के 515 थे, तो इस बार उम्मीद की जा रही है मैं इस बार भी टॉप 10 में तो हूँगा ही। इस साल मैंने कैट 2017 भी दिया था, तो उसमें 99.60% आए और कॉल्स आई एम लखनऊ, कलकत्ता, कोझिकोड, शिलोंग और नया एम से। साथ ही साथ मैंने बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिया है, तो IBPS PO का इंटरव्यू है, उसका रिजल्ट आना है, क्लर्क का भी आना है। एंड मेरी एज 25 है, तो लगभग मेरे पास 4 ईयर एक्सपीरियंस था। मतलब तैयारी करने से पहले मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो इस बार, पिछली बार भी Tier 1 200 मार्क्स का था और 2015 में मैथ्स वही 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, 2000 जनरल अवेयरनेस भी 50। बट इस बार जो 2016 में देखने को आया है कि हमारे पास सिर्फ मात्र 25 क्वेश्चन है, मात्र 25 क्वेश्चन है। जैसे मैथ्स में हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स की है, सिमिलरली इंग्लिश, रीजनिंग, GS में भी। Tier 2 की बात की जाए तो कोई चेंज नहीं है, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस हैं एंड इंग्लिश में भी हमारे 200 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स ईच के। और Tier 3 100 मार्क्स का हो गया है डिस्क्रिप्टिव इस बार, तो अभी डिस्क्रिप्टिव अभी होना है 2016 का, पर उसकी इस बार भी आशंका है कि 2017 में ही होगा, इंटरव्यू हट जाएगा। चेंजेस जो हमने इस बार देखे, जो मैंने फील किए, जैसे मैंने 2015 भी दिया था तो ऑनलाइन एग्जाम में ऑब्वियसली डिफिकल्टी, जिन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे एग्जाम देने की आदत नहीं है उन्हें उन्हें काफी दिक्कत आ सकती है। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार ऑनलाइन है तो आपको किसी तरह मैनेज करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, इंटरव्यू हट गया, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के एसए प्लस लेटर है। प्रेसी अभी डिफाइंड नहीं है, बट शायद प्रेसी भी आए, तो इसकी भी आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है। और चेंजेस जो हम मैंने इस बार फील किए कि कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई, 102 थी शायद 2015 की और इस बार 137 गई है जनरल की, करीबन करीबन 35 मार्क्स का जंप है, ये काफ़ी मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें कैसे आगे चलते हुए कैसे करना है। सबसे पहले हमारा Tier 1 का ये वीडियो है, तो हमें सबसे ज्यादा कि हमें फोकस करना पड़ेगा Tier 1 पे, Tier 2 बाद में, क्योंकि उसके बाद 2 महीने का गैप आता है। तो बुक्स जो मैं बताना चाहूंगा Tier 1 के लिए, इंग्लिश, इंग्लिश देखिए, जिसको स्टार्टिंग से आदत है नॉवेल्स पढ़ने की, मूवीज देखने की, जैसे मुझे थी, तो मुझे इंग्लिश में कभी दिक्कत आई नहीं। पर इंग्लिश का एक पार्ट है, उसमें से एक पार्ट ग्रामर भी है, तो ग्रामर पार्ट के लिए आई थिंक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको एक स्ट्रैटेजी लेके चलना पड़ेगा कि ग्रामर को कैसे टैकल करना है। उसमें मैं बिलीव करता हूँ कि MBE की बुक आती है वह अजय सिंह, वो बहुत हेल्प करती है, उसमें आपको पास्ट ईयर के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपको SSC की तरफ से, जैसे SSC ने डिफाइन कैसे आंसर वो चाहती है, कैसे क्वेश्चन वो पुटअप करती है, उसमें अच्छी तरह आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज के लिए मेरे ख्याल से जनरल स्टडीज बहुत वास्ट है, बट पास्ट ईयर के साथ साथ लूसेंट भी करने की शायद थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पास्ट ईयर में एग्जैक्ट नहीं आते, लूसेंट से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा मेन मेन टॉपिक, जैसे साइंस बहुत वैल्यू रखते हैं तो बायोलॉजी आपको स्टडी करनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मेटलर्जिकल थोड़े बहुत जो काफी नोन क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपको स्टडी करने जाना है। मैथ्स मैंने एक्चुअली कोचिंग भी ली है, बट मैथ्स मेरे ख्याल से किरण से अच्छी बेटर बुक है राकेश यादव की। राकेश यादव की 7300 करके एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए, बहुत ही उमदा बुक है वो, Tier 1 के लिए बेस्ट है। इनकी अलग भी बुक्स आती हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्री की, बट वो Tier 2 के लिए हेल्पफुल रहेगी, Tier 1 के लिए मेरे ख्याल से 7300 एक आती है, वो मोर देन सफिशियंट है। रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए आप पढ़ तो लेंगे, बैंक की रीजनिंग कहते हैं बहुत मुश्किल आती है, SSC की फिर भी आसान आती है, बट ग्रेड अप करके एक ऐप है, तो
उस पे डेली आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर। मेरे ख्याल से हर सीजीएल एस्पिरेंट को ग्रेड अप ऐप यूज करनी चाहिए, उस पे आपको डेली के डेली रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से और कोई सेट बुक नहीं है, लोग बीएससी की प्रेफर करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। पास्ट ईयर पेपर में भी आप रीजनिंग करेंगे तो वो भी मोर देन सफिशियंट है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजी टीयर वन की। पर हमें कुछ बातें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे लोग सोचते हैं कि सीजीएल अरे 3 2 3 महीने का ही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट इतना भी आसान नहीं है। मैंने खुद अपनी जॉब छोड़ के इसको परस्यू करा है, और इतना डोंट टेक इट लाइटली, लाइक डोंट टेक इट लाइटली। मैं आई कांट स्ट्रेस इनफ कि इसको आप इजीली मत लीजिए, क्योंकि आप जिस मोड़ पे खड़े हैं आपके लिए जॉब बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए प्लीज प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। बाकी और लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, लोग बोल के चले जाएंगे, एंड ऑफ द डे आपको ही करना है, आपका ही फ्यूचर है। अभी तो लोग बोल देंगे, बट कल को अगर आपका हो जाएगा तो वही लोग आपको आगे शाबाशी देंगे, और नहीं होगा तो यही कहेंगे कि अरे इतना पढ़ा है इसने कुछ नहीं हो पाया। इसलिए आप बाकियों की मत ही सुनिए। बाकी थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए मीट टिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं पढ़ते हो, ये सब बहुत जरूरी है, बट आप इस स्टेज पे लोग आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें जवाब देते रहेंगे ना तो आपके माइंड में ही आएगा। इनफैक्ट टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देम, सो यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज। जस्ट अवॉइड, डोंट लाइक टू डू, इट विल हैम्पर योर मेंटल, लाइक वो वहां पहुंच गया तुम यही हो, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, जितनी मैंने आपको पहले बताई है इससे पहले, मेरे ख्याल से वो मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप फील फ्री, बट मेरे ख्याल से वो मोर देन सफिशियंट है। ज्यादा बुक्स करने की बजाय एक ही बुक को कई बारी करिए, वो ज्यादा बेटर है। ऑल्सो ऑब्वियसली टीयर वन क्लियर करना ये मेन प्रायोरिटी है, तो अभी इंग्लिश और मैथ्स पे इतना मत डाल दीजिए कि आपका रीजनिंग और जीएस वीक हो जाए। इनफैक्ट जीएस बहुत ही स्कोरिंग आ जाता है कभी कभी, तो लाइक 25 में से लोग 20 से ऊपर करके आए, मैं पर्सनली 20 से ऊपर करके आया था और सही थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी रैंक डिसाइड करने में। नेक्स्ट डोंट्स के बाद आपके यहाँ डूज जो है, लाइक कोचिंग अगर लेते हैं, अगर आप वैसे भी खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम दिन में 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना ही चाहिए। लाइक एक ही टॉपिक मत पढ़िए, लेकिन बदल बदल के जरूर पढ़िए। लाइक मैथ्स पढ़ लिया 1 घंटा 2 घंटा, लाइक देन चेंज करके इंग्लिश पढ़ लिया, बट आई थिंक 6 to 7 आवर्स इज रिक्वायर्ड इफ यू आर टू क्रैक इन 3 मंथ्स। ऑलवेज घर पे बैठ के मेरे ख्याल से बॉस नहीं हो पाता है, मैंने देखा है, मैंने खुद भी ट्राई किया है, तो घर पे अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कूडोज टू यू, बट अलग से घर पे एक सेपरेट रूम लेके बैठ जाइए वो कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है नियर बाय फैसिलिटी लाइब्रेरी तो ट्राई टू गो फॉर दैट। ऑल्सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादा बुक्स करने की बजाय 2 3 बुक्स करिए, थॉरली करिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जीएस को मत इग्नोर कीजिए, सेम जैसे मैंने आपको बताया, जीएस बहुत बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले कर जाता है। इनफैक्ट लोग मुझे कहते हैं कि एक और पॉइंट पे जो मैं आऊंगा कि लाइक मॉक, अभी तो तैयारी नहीं हुई, मॉक क्या देना। इससे अजीब और इससे ज्यादा वियर्ड बात मुझे नहीं लगी, क्योंकि मॉक नहीं आता तो बल्कि बेटर है आपके लिए। इनफैक्ट आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, लाइक आपको कैसे अप्रोच लानी है। लाइक आप पहले अप्रोच इम्बाइब करके फिर उसको मॉक देंगे, अरे यार इतनी मेहनत की अब तो अप्रोच बदलनी पड़ जाएगी, तो लाइक मॉक पहले ही देते रहेंगे तो आपको लगेगा कि लाइक आपको पता चल जाएगा कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है। इनफैक्ट आपको 2 मॉक्स देने चाहिए, पैरामाउंट और केडी कैंपस के आते हैं मॉक्स में। इनफैक्ट केडी का शायद फ्री भी है, पैरामाउंट और केडी कैंपस मोर देन सफिशियंट है। लोग ऑलिव बोर्ड टेक्स्ट बुक भी प्रेफर करते हैं, बट मेरे ख्याल से पैरामाउंट एंड आई, मैंने केडी और पैरामाउंट किया था तो मेरे लिए वही सही रहे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिएगा, किरण की बुक ले सकते हैं, दैट इज गुड, मतलब उसमें है बट उसमें एरर्स बहुत हैं, तो मेरे ख्याल से आप कोई और बुक लाइक इंग्लिश के लिए आपको एमबी मिल जाएगी, और जीएस और रीजनिंग के लिए मेरे ख्याल से किरण विल बी सफिशियंट। मैथ्स के लिए आपको देखना पड़ेगा, लाइक 7300 जो राकेश यादव की, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, तो आप वहां से रेफर कर लीजिए, बट रीजनिंग और जीएस आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के जाइएगा। सो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से आपको एसएससी इस बार 2017 आने ही वाला है, तो आप जम के लग जाइए,
और मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे इन बुक्स को भी टैकल करना है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।